hello guys how are you hope you are doing good so yesterday we were discussing about the keyboard and its skills so we were discussing about the types of keys on keyboard so far we have seen the number of keys uh, we have been discussing the various uh, types of keys in which we have discussed alphanumeric keys and uh, numeric keys उसके बाद फंक्शन कीज एंड कर्सर कंट्रोल कीज़ सो टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट सम मोर कीज़ एंड नंबर वन इज़ होम कीज़ सो लेट मी शो यू द पैटर्न ऑफ कीबोर्ड दिस इज़ द कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट मी शो यू द हाउ हाउ कैन यू प्लेस योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड सो हमारे पास एक लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है तो हमने कैसे कि इसको प्रेस करने हैं प्रॉपर तरीका क्या है तो इसमें से बहुत सारे अगर हम देखेंगे ये हमारा थम्ब है अगर हम राइट हैंड की बात करेंगे तो पहला वाला जो है वो है थम्ब एंड उसके बाद जो फिंगर है वो है इंडेक्स फिंगर उसके बाद जो मिडल वाला मिडल फिंगर तो इसके बाद रिंग फिंगर तो लास्ट में है लिडल, लिडल फिंगर तो इसी तरह ये वाला ये जो पांच उंगलियां हैं That's इन लेफ्ट हैंड तो हमें कैसा इसका यूज़ करना है तो यही हम देखेंगे तो पहले अगर हम देखेंगे जो alphabet अल्फ़ाब्स हैं एस डी एफ ये दूसरा दूसरा जुर् है हमारे पास पहला वाला है के ओ डब्ल्यू ई आर टी उसे नीचे वाला जुर्व है एस डी एफ जी एच एल जे के एल एंडिकोलोन तो नॉर्मली जब भी आपको प्लेस करना है अपने फिंगर्स कीबोर्ड पे तो उस हिसाब से आपको प्लेस करने हैं जैसे कि जो स्माल लिटल फिंगर ऑफ़ योर लेफ्ट हैंड दैट्स बीन प्लेसड ऑन लेटर ए एंड एस रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड दैट शुड बी ऑन एस लेटर एंड मिडल फिंगर ऑफ़ योर लेफ्ट हैंड शुड बी ऑन लेटर डी एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ़ योर लेफ्ट हैंड शुड बी ऑन एफ़ तो इसी तरह जो जी और एच वो जी ओर एच को हमें छोड़ना है और जे के एल और स्मिक कॉलम ये होगा हमारे राइट हैंड के लिए राइट हैंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड शुड बी ऑन शुड बी प्लेसड ऑन लेटर जे एंड मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड शुड बी प्लेसड ऑन के एंड रिंग फिंगर ऑफ योर राइट हैंड शुड बी प्लेसड ऑन एल एंड इन सिमिलर यू योर लिटल फिंगर शुड बी प्लेस्ड ऑन सेमी कॉलोन तो जो हमारे थम्ब रहे हैं अब हमारे थम्ब हैं जी लेफ्ट थम्ब जी के लिए और राइट uh, थम्ब right हमारा एच के लिए और ये दो थम्भ वर्क करेंगे बैक सॉरी स्पेस की के लिए जो सबसे बड़ी की होती हैं जहाँ पे अभी थम्ब हैं तो ये है, है हमारी स्पेस की स्पेस की जैसे कि हमें एक स्पेस को छोड़ना है तो इसीलिए हम स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट होम कीज़ तो इसके बाद हैं गाइड कीज़ आप देखते हैं कि जो हमारी गाइड कीज़ हैं वो हैं एफ़ एंड जे दीज आर कॉल्ड एज गाइड कीज़ क्योंकि जो एफ़ और जे हैं उन पर एक थोड़ा सा मार्क लगा हुआ है मतलब कि उससे पता चलता है कि हमने ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है जो हमारा इंडेक्स फिंगर है फॉर बोथ हैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड तो ये हमें फ़िक्स करना है एफ तो पे तो हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन एफ़ एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड शुड भी प्लेसड ऑन जे सो इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है यहीं पर आपको रुकना है जी और एच पे जो आपका इंडेक्स फिंगर है तो आपको इंडेक्स फिंगर से प्रेस नहीं करना है जी और एच सो योर थम आपको थम का यूज़ करना है जी एच के लिए और स्पेस बार के लिए तो आ, तो गाइड कीज़ तो सीधी सी आ, बात है जो हमारे हमारे पास दो लेटर कीज़ जो हमारे पास दो कीज़ हैं एफ़ और जे दीज आर कॉल्ड एज गाइड कीज़ एंड इट ऑल्सो कंटैंस ए टैंजबल मॉक यही कि इस पर एक मार्क uh, लगा हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है तो विच टाइपस्ट कैन प्लेस द फिंगर्स क्रेक्टली हमें क्रेक्टली प्लेस uh, करना है अपने जो हाथ हैं इस पर या अपने हमारे फिंगर्स को प्लेस करना है अपने गाइड की इस पर तो पहले पहले बार जब आप अपने फिंगर्स को बिटाते हैं आप अपने फिंगर्स को प्लेस करते हैं कीबोर्ड पे तो उस टाइम आपको जहन में रखना चाहिए कि जो हमारे इंडेक्स फिंगर्स हैं फॉर बोथ आप बोथ हैंड्स तो ये हमें गाइड कीज़ पे रखने हैं गाइड कीज़ पे पहले जब हम रखते हैं जे के लिए राइट गाइड की राइट इंडेक्स फिंगर और एफ के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर तो इसी हिसाब से हमें फिर वेरियस फिंगर्स प्लेस करने हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट गाइड कीज़ तो इसके बाद हैं हाउ कुड वी टाइप एंड डिलीट द टेक्स्ट इफ़ इफ़ यू वर्क इन ए डाकूम इफ़ यू वर्क इन ए सॉफ्टवेयर तो हमें टाइप कैसे करना है या डिलीट कैसे करना है यूजली अगर हम विंडोज़ की बात करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वर्ड प्रोसेसर जिसमें हम बहुत सारे टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें हमें बहुत सारे फाइल्स को ऐड कर सकते हैं तो मैनली अगर हम नए फाइल कोई क्रिएट करने चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्ड प्रोसेसर में तो हम पहले हम करेंगे कंट्रोल प्लस एन तो इससे क्या हो जाएगा इससे हमारी जो फाइल हैं न्यू एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे तो फिर हमें लिखना है इन्हीं टैक्स इन्हीं अल्फा मैर कीज़ की मदद से हम लिखते हैं कुछ भी लेटर्स या वर्ड्स फिर सेंटेंसेस बनाते हैं या नंबर्स या कुछ भी फिगर बनाते हैं इसी इन्हीं की मदद से बाय यूजिंग अवर फिंगर्स तो पहले क्या करना है क्लिक ऑन द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड तो हम लेटर्स को क्लिक करते रहेंगे तो कीबोर्ड पे कीबोर्ड पे तो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता जाएगा तो इसके बाद फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट डिलीट कैसे करेंगे हम डिलीट जब भी हमें करना होगा तो हमें राइट right, लेफ्ट की ओर डिलीट करना है लेफ़्ट की ओर डिलीट करना है। जब हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो राइट right की ओर चलता जाता है ये क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट्स विद राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंग्लिश जो लैंग्वेज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ़्ट और राइट तो जब हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये एक लेटर हमारा लेफ्ट की ओर चला जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा एक लेटर हमारा जितनी बार हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो उतनी बार जो हमारा लेटर होगा वो चलता जाएगा रिवर्स की ओर रिमूव हो जाएगा फिर तो हम जो हाँ बैक स्पेस की है या डिलीट किए हैं इसको दो कीज़ है हमारे लिए बैक स्पेस की या डिलीट की फॉर डिलीटिंग द ये जो बैक बैक स्पेस की है दैट विल रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम बिहाइंड मतलब फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द टू द लेफ्ट जो कोई भी टेक्स्ट हमें डिलीट करना होगा लेफ्ट की ओर वो हम कर सकते हैं मैनली जब कभी भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे वहाँ पे कर्सर हैं तो हम कर्स बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो एक कदम हम पीछे जाएंगे जो हमने लिखा था जस्ट तो वो डिलीट हो जाएगा इसी तरह जो हमारा डिलीट की है डिलीट की से क्या होता है बाज अवकात अगर हम देखते हैं कि बाकी एप्लीकेशन में जो डिलीट की हैं दैट विल वर्क टू द राइट टू द रट ऑफ योर ब्राउज़र टू द रट ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट या टू द रट ऑफ़ योर कर्सर तो कर्सर की ओर राइट right की राइट right की ओर अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम डिलीट की प्रेस करते हैं उस टाइम तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट तो हम चाहे हम नंबर्स अगर हमें मतलब प्रेस करने होंगे या अगर हमें नंबर्स लिखने होंगे तो हम हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ भी हैं तो हम उनका भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं आर एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड बोर्ड तो विच इज ऑनली ऑफ डिजिट्स या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स डिजिट्स क्या होते हैं जीरो टू नाइन और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है एडिशन uh, है सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, है तो दीज आर इंक्लूडेड इन न्यूमेरिक कीज तो इसके बाद टाइपिंग कैपिटल लेटर्स तो जब हमें कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है स्मॉल लेटर्स हम लिख लिख सकते हैं तो अगर हमें कुछ टाइप करना है लेकिन कैपिटल में टाइप करना है कुछ भी सेंटेंस लिखना है पहले हमें मतलब स्टार्ट करना है स्टार्ट हमें लिखना है तो टी जो है स्टार्टिंग में तो हम चाहते हैं कि जो हमारा टी है वो कैपिटल में लिखना है ये हमें कैपिटल में आना चाहिए तो हम क्या करते हैं उस टाइम जो हमारा कैप्स लॉक है कैप्स लॉक एक की होती है वो टू द लेफ्ट ऑफ योर कीबोर्ड तो हम हमें वो प्रेस करने हैं तो प्रेस जो ही हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक आ, लाइट आएगी तो लाइट के बाद हमें ये पता चलेगा कि कैप्स लॉक की इज़ ऑन इज टर्न ऑन ये टॉगल की हैं वेदर इट्स ऑन और ऑफ़ तो जब ये ऑन हो होती हैं तो लाइट्स लाइट्स भी ऑन होते हैं तो so, जब ये ऑफ होती हैं उसकी जो लाइट लाइटें स्मॉल लाइट है वहाँ पे जलेगी तो so, इसके बाद अगर आप ऑफ होगी तो लाइट्स खुद ब खुद मतलब ऑफ uh, हो होती हो जाएगी तो व्हेन यू वांट टू ऑन दिस कैप्स लॉक तो आपको स्विच करना है मतलब स्विच ऑन करना है एक बार प्रेस करना है कैप्स लॉक की तो बाय प्रेसिंग द की बिफोर टाइपिंग यही कि लाइट जो है विल शाइन ऑन द टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ योर की बोर्ड तो इट मीन्स दैट द कैप्सलॉ की इज़ ऑन उस टाइम आप कुछ भी लिखोगे अल्फा नुमेरिक कीज़ मतलब अल्फाबेटिक कीज़ कुछ भी टाइप करोगे फ्रॉम ए टू जेड तो दे विल बी शोन uh, दे विल बी शोन एज कैपिटल इन कैपिटल लेटर्स तो अगर मैं, आ, ये जो लॉक की है इसको बंद करना है तो हम एक और बार प्रेस करेंगे लॉक की जस्ट हमें सिंपली इसको प्रेस करना है तो लॉक की विल बी टर्न ऑफ तो उसका उसका मतलब है कि जब जब उसके बाद हम टाइप करेंगे और हम अल्फाबेट कीज तो ये सिंपली स्मॉल में आ जाएगा डिफ़ॉल्ट ये स्मॉल ही रहते हैं स्मॉल लेटर्स में ये वर्क करेंगे तो इसके बाद हैं टाइपिंग सिंबल्स तो हम सिंबल को कैसे टाइप करते हैं बास अवकात हमारे बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह हमारा कीबोर्ड है तो हम चाहते हैं कि जो हमारे न्यूमेरिक कीज़ है यहाँ पे हम न्यूमेरिक अलग से न्यूमेरिक कीज़ नहीं हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हैं सपोज ये हमारा अल्फ़ाबेटिक कीज़ है के ओ डब्ल्यू ई आर टी इसके जो इस ऊपर ऊपर वाली लाइन जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ज़ीरो तो इसके ऑन द टॉप ऑफ दिस कीज़ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एट द रेट ऑफ है या हैश साइन है या डॉलर साइन है या एम परसेंट साइन है या एस्ट्रिक है या परसेंटेज है या बहुत प्लस हैं अगर हमें इनका इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या करते हैं उस टाइम तो हमारे पास एक और की होती है उस, उसका नाम है शिफ्ट की शिफ्ट की शिफ्ट की यूजुअली जो हमारा एक जो हमारा मॉडर्न कीबोर्ड है उस पर शिफ्ट की दो जगह पे होता है दो जगहों पे एक तो टू द लेफ्ट ऑफ योर कीबोर्ड एंड टू द राइट ऑफ योर कीबोर्ड तो जब भी हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो उस टाइम हमें जो सिंबल वाला की है फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू टाइप इफ़ यू वांट टू टाइप द dollar sign एंड डोलर साइन इज प्लेसड on लेटर um, on uh, number फोर on key four. तो four के ऊपर तो हम चाहते हैं कि dollar sign आना चाहिए तो जब भी हम four sign की um की um, press करेंगे जहाँ पे uh, key जिस की पे फोर लिखा हुआ है जब भी हम उसका um, उसको प्रेस करेंगे उसको टच करेंगे तो ऐट दैट वेरी टाइम फोर शुड भी फोर विल भी रिटर्न ऑन योर मोनीटर तो उस टाइम क्या करना चाहिए जो हमारा शिफ्ट की है शिफ्ट की को दबा के शिफ्ट की को दबा के फिर फोर लिखना है फोर टाइप um, करना है शिफ्ट की प्लस शिफ्ट मतलब आपको आपने शिफ्ट की को दबा के रखना है एट दैम टाइम आपने फोर की प्रेस करना है तो इसका मतलब है जब आपने शिफ्ट प्लस फोर लिखा तो वहाँ पर डोलर सैन आएगी आप या आप चाहते हैं कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो को प्रेस करना है लेकिन वहाँ पे पैरंथीसिस आनी चाहिए बैक्स पे मतलब ब्रैकेट क्लोज क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए वहाँ पे। तो आपको करना है नॉर्मली शिफ्ट की थम uh, से प्रेस और ज़ीरो को भी प्रेस करना है एक साथ जब आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस ज़ीरो तो वहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो इट मीन्स दैट इट विल वेरी द नेचर ऑफ यूर की वाइल प्रेसिंग द शिफ्ट की तो इट वॉज ऑल अबाउट शिफ्ट की तो क्या है मैनली ये जो शिफ्ट की हैं इट्स यूज टू एक्सेस टॉप सिम्बल दैट आर वन ऑफ द कीज़ विद टू करेक्टर्स तो एक की पे दो करेक्टर होते हैं Uh, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वन है और ऊपर है डॉलर सिंबल या टू है ऊपर है एम परसेंट सिम्बल या थ्री है ऊपर है, है परसेंटेज सिंबल तो आप जब आप टॉप सिंबल का यूज़ करते हैं तो उसके आपको वो शिफ्ट की का यूज़ ज़रूरी करना है उस टाइम जिस टाइम आपको टॉप सिंबल लिखने हैं या टॉप सिंबल को डिनोट करने हैं तो ऐट दैट वेरी टाइम आपको शिफ्ट की का यूज़ करना है बाय बाय प्लेसिंग द अप्रोप्रेट कीज़ एट द टाइम तो इसके बाद है टाइपिंग सेंटेंस टाइपिंग सेंटेंसेस टू गेट स्पेस बिटवीन टाइपड वर्ड्स तो यू हैव टू यूज़ यू हैव तो टू प्रेस द स्पेस वंस एंड देन टाइप द दे नेक्स्ट वर्ड तो कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेस लिखनी है कि आपने एक वर्ड एक वर्ड लिखा तो उसके बाद आपने स्पेस डालनी है तो उस टाइम आपने स्पेस बार का इस्तेमाल करना है स्पेस बार इट्स अ लॉन्ग की इन योर कीबोर्ड तो इसका जो एप्रोप्रिएट uh, जो कहाँ पे है ये मैं मी शो यू जहाँ पे आपकी थम्स हैं यहाँ पे की बोर्ड पर तो ये वाली चुकी है बहुत बड़ी की ऑल्ट और ऑल्ट जी आर के बीच में जो वाली जो जुकी है नीचे तो दैट्स नोन है स्पेस की ये जो स्पेस की हैं इट्स यूज टू मेक ए स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स अगर आपने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिखा टी ओ टू तो उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको एक स्पेस डालनी है यहाँ पर तो टू और गेट के बीच में ये जो स्पेस हैं ये आपने स्पेस बार का इस्तेमाल किया है यहाँ पे यहाँ देखो ये है टाइपिंग ऑन द टॉप ऑफ योर मोबाइल फ़ोन फो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपिंग और सेंटेंसेस ये दो वर्ड्स हैं इनके बीच में जो स्पेस हैं ये हैं ये दैट इट बी रिटन बाय बाय स्पेस बार मतलब कि ये इस प्लेस By making the appropriate use of your space bar key, तो इसी लिए जो space bar की है ये हम use करते हैं और इस, इसके बाद है, creating new lines and spaces between paragraphs क्या है ये तो अगर कुछ चाह अगर आप चाहते हैं कि एक पैराग्राफ लिखना है फिर उसके बाद आपको एक नया पैराग्राफ लिखना है तो इस इसके दरमियान तो आपने एक आ, मतलब एक अधूरा सा सेंटेंस लिखा तो उसके बाद आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन बिल आना है आपको इमिजिएटली आपको प्रेस करना है प्रेस करनी है एंटर की एंटर की और रिटर्न की तो ये रिटर्न की और एंटर की इट विल मेक यू श्योर इट विल यू विल कम टू नेक्स्ट लाइन तो ये जो कर्सर है दैट्स फ्लशिंग फ्रॉम ए न्यू न्यू लाइन तो ये जो आपका कर्सर जो है उस टाइम दैट विल फ्लैश ऑन ए न्यू लाइन तो इट विल आल्सो यूज टू अथोराइज इंस्ट्रक्शन आस्कट फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म कि कुछ भी अगर आप ये जो इंटर की हैं कुछ भी आपको कमांड देने हैं पहले किसी भी ब्राउज़र में या किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में कंप्यूटर सिस्टम पे तो कमांड तब तक वर्क नहीं करती हैं जब तक ना आप एंटर की करते हैं फॉर एग्जांपल सी प्रॉम्प्ट में हम देखते हैं ये हमारा कमांडिंग सॉफ्टवेयर है तो हम चाहते हैं कि कुछ भी लिखते हैं तो टाइप करते हैं ए बी सी कुछ भी लिखो तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट आना है इंटर इंटर किया तो रिजल्ट आया इसलिए कि ये जो इंटर है इस एंटर इज़ यूज़ टू अथोराइज इंस्ट्रक्शनज इंस्ट्रक्शन ये जो हिदायत हैं हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को हदायतों उस टाइम तक वर्क नहीं करेंगे जिस टाइम तक ना हम इंटर की को प्रेस करेंगे या कुछ भी लिखेंगे एंड इन और डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर्स वी आर यूजिंग द एंटर की फॉर दैट फॉर द पर्पज़ कि हमें नेक्स्ट लाइन पे आना है उस पर्पज़ के लिए हम इंटर की प्रेस करते हैं और इसके बाद गाइड फॉर टाइपिंग टाइपिंग में क्या क्या मतलब आपको कर्सर कीज़ का इस्तेमाल करना है कर्सर कंट्रोल कीज़ है आपको या इट विल यू विल विल बी बी यू यूज्ड दिस टाइप ऑफ कीज़ टू मूव द पोजिशन ऑफ द कर्सर कि आपको कर्सर जो है पहले आप देखोगे कि कर्सर क्या है कर्सल एक डाउनवर्ड लाइन है डाउनवर्ड लाइन जहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरा जो लिखने का मुझे लिखने कहाँ कहाँ पर है और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है कि आपको पहले ढूँढना है कर्सर कर्सर कहाँ है वो डाउनवर्ड लाइन है मतलब जो ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है उस लाइन को वही है कर्सर मतलब कि छोटी सी लाइन है और जब जब कभी भी आप टेक्स्ट शुरू करते हो तो वो स्टार्टिंग में होती हैं वो कर्सर तो क्रसर यूजुअली जब आप उस पर टाइप करते हो कुछ तो उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट लाइन में थर्ड लाइन में फोर्थ लाइन में और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको फिर नेक्स्ट लाइन में आना है तो आप इंटर की का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे तो ये जो कर्सर कर्सर कंट्रोल है आपको कर्सर को कंट्रोल कैसे करोगे कर्सर को आप मैनली कंट्रोल करते हो माउस माउस से मतलब जो माउस के दो हैं एक है लेफ्ट और एक है राइट right. जो लेफ्ट वाला है वही कर्सर को कंट्रोल करता है मैनली और राइट right में बहुत सारे मेन्यूज होते हैं मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं देट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड uh, जो कर्सर कंट्रोल जिससे आप करते हैं वो यही होते हैं और कर्सर कंट्रोल की भी कीज़ uh, uh, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी एक पेज uh, अप या पेज डाउन या mm, या मतलब आपको लेफ्ट जाना है या राइट right जाना है या ऊपर चढ़ना है या नीचे आना है तो उस पर भी आप देखोगे यहाँ पे जिस कीबोर्ड में नुमेरिकीज़ हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो ये थे कुछ कीज़ जो मैंने आ, डिटेल में आपको बताया कि दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई थिंक इज एन फॉर टुडे तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारे लिए वो रहेगा पॉइंटिंग डिवाइसेस हम उसमें पढ़ेंगे